नमस्कार, मैं शाश्वती मोहंती आपको एक ऐसे कार्यक्रम से परिचित कराऊंगी जिसके द्वारा हम सभी अपने अंदर की असीमित शक्ति, क्षमता व अच्छाई का अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ, यह कार्यक्रम है मानव संभावनाओं पर आधारित जागरूक नागरिक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय में रामकृष्ण मिशन दिल्ली द्वारा संचालित किया जाता है। अब हमारे विद्यालय के विद्यार्थी इस कार्यक्रम के संबंध में अपने अनुभव व विचार साझा करेंगे। नमस्कार, इस मॉड्यूल में मैंने यह सीखा कि कैसे हमें दूसरों की भिन्नताओं को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए एवं दूसरों के अच्छे गुणों को अपने अंदर अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। हमें सदा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे इंसान हमसे स्तर या हैसियत में कितना ही छोटा क्यों ना हो। हमें अवश्य ही एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का स्वभाव रखना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की जिंदगी में सार्थक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आशना और तिस्सा को समुदाय के संदर्भ में अपनी संभावना को जागृत करने के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें हमने सीखा कि हमें पड़ोसियों के साथ सद्भावना के साथ रहना चाहिए और एक समाज में शांति व खुशी से रहने के लिए पूर्व धारणाएं भी नहीं बनानी चाहिए। इस सत्र को पढ़ने व समझने के बाद मेरे स्वयं के व्यवहार में काफी परिवर्तन हुआ है। मनुष्य पशु पक्षी के प्रति मैं अधिक संवेदनशील हो चुकी हूँ और मैंने स्वयं में विस्तार किया है। मेरी सोच सिर्फ मुझ तक और मेरी परिवार तक नहीं है, परंतु आज मैं सबका साथ सबका विकास चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन सहा है और मैं कक्षा 8वीं जी का एक छात्र हूँ। आज मैं अपनी एक जीवन की घटना एक जीवन कौशल के साथ जोड़ूंगा। वह जीवन कौशल है कभी हार न मानना। खेल हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। जीत और हार हमें खेल ही सिखाते हैं। जीत और हार तो जिंदगी के दो पहलू हैं। खेल हमें यह भी सिखाते हैं कि कठिन समय में कैसे हौसला नहीं हारना चाहिए। मेरे साथ भी 5वीं कक्षा में ऐसा ही हुआ। मैं फुटबॉल खेल रहा था और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया और अगले महीने ही मेरे ट्रिनिटी का कीबोर्ड का एग्जाम था। मैं बहुत व्याकुल हो रहा था कि एग्जाम कैसे दूंगा, परंतु मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपना अभ्यास दाएं हाथ से जारी रखा। दरअसल मेरा बाएं हाथ फ्रैक्चर हुआ था और मैं बाएं हाथ से ही लिखता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि वो मेरा काम कर देंगे, परंतु मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और कहा मैं अपना काम स्वयं करूँगा। अगले महीने कीबोर्ड के एग्जाम में डिस्टिंक्शन तो नहीं मिल पाई, पर मेरिट जरूर मिल गई। खेल हमें यह सिखाता है और खेल हमारे अंदर आत्मश्रद्धा भी लाता है। धन्यवाद। विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और स्वयं को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार किया। यह सब एक ही मंत्र मैं कर सकती हूँ के माध्यम से संभव हुआ है। हम भी इस मंत्र को अपने अंदर बसाएं व रोज इसका स्मरण करें, जिससे हम भी अपनी असीमित शक्तियों व क्षमताओं को जागृत कर जीवन की चुनौतियों का सामना साहस पूर्वक कर सकें। धन्यवाद।